स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी हमारे कोर्स के हवाले से। सब बच्चों को आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, तो हम कोर्स के हवाले से स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर होता क्या है और आपको इस कोर्स ऑफ कंटेंट में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आप कितने एबल होंगे, कैपेबल होंगे कि आप अर्निंग कैसे करेंगे अपनी। आपको सब कुछ जो है इस कोर्स ऑफ कंटेंट में बताया जाएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जो हमारे कोर्स। लगाओ इतने आवे दी क्यों इतने आवे ठीक है, ये हमारे जो आपको आई थिंक ये पहले प्रोवाइड किया गया होगा, कंप्लीट गाइड टू अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, 1.5 मार्क का ये कोर्स है। इसके अंदर आप चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, और उसके अलावा जो आप ट्रेनिंग के फॉलो अप सेशंस होते रहेंगे। ठीक है, जो अब कंटेंट है इसका मेन, वो है इंट्रोडक्शन के, इंट्रोडक्शन अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट है क्या बेसिकली। ठीक है, आप जानते हैं कि अमेज़न जो है ई कॉमर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा क्योंकि कॉमर्स का सबसे सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करता है अमेज़न। कुंडी लगी तो अरे तो लगी मैं ठीक है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा, उसके अंदर बताया जाएगा आपको कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, आपको किस तरह उसके अंदर जाना है। उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। अब मिसाल के तौर पे पीएल भी होता है उसके अंदर, जैसे प्राइवेट लेबल हो गया, और कोई लोग ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं उसके अंदर, डिफरेंट लोग होलसेल का बिजनेस करते हैं। लेकिन जो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आपने अगर खुद से काम करना चाह रहे हैं वो एक अलग है, एक आपने अगर एसेट्स बिल्डिंग करनी है वो आपका एक अलग टास्क है। जो आपका जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो एक अलग से प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अगर सर्विसेज के अंदर आपको, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसे प्रोडक्ट हंट करके दे देते हो, उसको उसकी लिस्टिंग्स कर देते हैं। आई थिंक के सबको आइडिया होगा कुछ ना कुछ इसके अमेज़ॉन के बारे में। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है लिस्टिंग क्रिएशन एंड द हैंडल लिस्टिंग इशू। अब लिस्टिंग बेसिकली होता क्या है कि आपने अब एक चैनल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर जाके आपने एक स्टोर बिल्ड कर दिया है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप ये चीज सेल आउट कर रहे हो? ठीक है, तो आप वहाँ क्या करते हो, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या जो जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपका क्लाइंट है, अब उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेगा अपने स्टोर पे जाके। ठीक है, अब वो जो लिस्टिंग है वो आपको सिखाई जाएगी कि हाउ टू लिस्ट, कि एक अच्छा, अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी लिस्टिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, उसके अंदर उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, आपकी लिस्टिंग किस तरह पावरफुल होती है, किस तरह मोनेटाइज होती है लिस्टिंग, किस तरह रैंक अप होती है, किस तरह किसी का रैंक डाउन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको इसके अंदर सिखाई जाएंगी। ठीक है, दूसरा है कंटेंट राइटिंग, मी टू लिस्टिंग एंड द प्रोडक्ट हंटिंग। मी टू बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, दूसरा है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या है, आपने एक लिस्ट तो कर दी कोई चीज, ठीक है, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने ये चीज लिस्ट की हुई है। ठीक है, साधर है, आप कोई ना कोई उस पर एडवर्टाइजिंग चलाएंगे, कोई प्रमोशन चलाएंगे, तभी जाके उनको पता चलेगा कि आपने कोई चीज लिस्ट की है। ठीक है, इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आप एक पावरफुल लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा विजिबल हो। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके कोई चीज टाइप करते हैं, लाइक कि आपने शूज टाइप कर दिए। ठीक है, जिस पावरफुल लिस्टिंग होगी, ठीक है, जिसका कंटेंट अच्छा होगा, जिसने गूगल पे रैंक किया अपने आप को, आपको सबसे पहले वो चीज शो होगी। ठीक
ठीक है, यही चीजें जो है आपको इसके अंदर सिखाई जाएंगी। उसके अंदर क्या है, आपका कीवर्ड्स होंगे कि कीवर्ड को किस तरह प्लेस किया जाता है Amazon के अंदर, कीवर्ड की प्लेसेस कौन कौन सी होती हैं, लिस्ट में कितने कीवर्ड होते हैं, टाइटल पावरफुल कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखा जाता है उसका, आपको ये सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी। और दूसरा ये साथ में लिखा हुआ है मी टू लिस्टिंग, ठीक है। मी टू लिस्टिंग बेसिकली होता क्या है, ये होलसेल का काम होता है, ठीक है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि होलसेल ये है जी, हमने बल्क में चीजें बेचनी है, एक जगह से उठानी है दूसरी जगह भेज देनी है। मिसाल के तौर पर कहीं से हमने एक कार्टन उठाया और कार्टन का कार्टन दूसरे बंदे को दे दिया। अक्सर लोगों के ना जहन में होलसेल का कॉन्सेप्ट ये होता है, बेसिकली जो है होलसेल का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है मी टू, ठीक है, तो मी टू क्या होता है कि आपने, आपके पास इतने पैसे नहीं है आप, या कोई आपका जो क्लाइंट है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, वो अपने आप का एक ब्रांड जो है बिल्ड नहीं कर सकता, जिसे बेसिकली प्राइवेट लेबल कहते हैं, ठीक है, वो अपने आप को बिल्ड नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करता है, थोड़े से सरमायाकार से, थोड़े से पैसों से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करवाता है अपना और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, जिसके अंदर वो क्या करता है, ऐसे लोगों को हंट करता है जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता लेकिन वो अमेजोन पे सेल करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट थाउजेंड्स के अंदर सेल हो रही होती है उनकी मंथली, तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट हंट कर लेते हो, ठीक है, उसको मी टू कर देते हो, मतलब अटैच हो जाते हो उस लिस्ट के साथ। जैसे ही आप लिस्ट के साथ अटैच हो जाते हो तो बाय बॉक्स आपको भी मिल जाता है और बाय बॉक्स दूसरे के पास भी रहता है, तो आपके पास भी वही सेल आना शुरू हो जाती है। आप क्या करते हैं, दूसरे पर्सन से कहते हैं कि यार मुझे ना 10 से 12 प्रोडक्ट्स दे दो, मैं भी ये सेल करना चाह रहा हूँ। वो आपको 10 से 12 प्रोडक्ट्स या जितने भी होगी वो आपको देता है, उसके अंदर आपको इनवाइसेस मिलती हैं, उसके बाद आप वन बाय वन वो प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हो। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग। क्या होती है हंटिंग का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट मार्केट के हवाले से, ठीक है। अब जैसे कि यूएस का जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, यूके का है, यूके का थोड़ा लीनिंट है, उसके बाद कनाडा का है, यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाकी इनके अंदर भी जो है लीनिंट है। उसके अंदर आप क्या करते हो, आप ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करते हो कि जो सेलेबल हो, ठीक है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं जी, उनके जहन में ये आता जी हमने बस सेल करना है, कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए। ये चीज बिल्कुल गलत है कि कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए हम सेल, ठीक है, ये चीजें नहीं होती। उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया के हवाले से चलना पड़ता है कि आपने क्या क्राइटेरिया रखना है। अब ऐसा नहीं होता कि मैं अब आईटी की कोई आईटी, जिस तरह आईटी टावर है यहाँ पे, अगर अगर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बैठे हैं तो यहाँ पे मैं अगर सब्जी की दुकान खोल लूंगा तो आई थिंक वो नहीं चलेगी, ये सबसे बड़ी मेरी बेवकूफी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करूंगा जो मार्केट के अंदर लोगों के अंदर चाहत भी हो, जो खरीद भी रहे हों लोग, ठीक है। तो उस पर उस हवाले से प्रोडक्ट हंटिंग होती है और के डिमांड कितनी है उसकी प्रोडक्ट की, और प्राइसेस कितनी है उसकी, रिव्यूज कितने हैं उसके ऊपर आया कि हमें प्रॉफिटेबल है प्रॉफिटेबल नहीं है, ये कंप्लीट एक गाइड होती है जो आपको सिखाई जाएगी इसके अंदर। और जो आजकल ट्रेंडिंग में है वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो ज्यादातर लोग क्या डिमांड करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग हमें चाहिए। ऐसे ऐसे गोरे क्लाइंट भी आते हैं कि आपको वो कह देते हैं कि जी हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, मेरा क्राइटेरिया ये है कि प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 7 से 8 डॉलर की होनी चाहिए, मैंने चाइना से ही सोर्स करना है, वो प्रोडक्ट चाइना में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं चाइना से सोर्स करता हूँ मेरे उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस 1 से 2 डॉलर आने चाहिए, लेकिन जो उसकी सेलिंग प्राइस हो वो 15 to 20 के दरमियान हो, ठीक है। जब वो आपको एक ओवरव्यू दे देता है तो आप क्या करते हैं, उस ओवरव्यू को अपने जहन में रखते हुए आप प्रोडक्ट हंट करते हैं। उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, ये नहीं कि आपने बस ऐसे ही आना है जी हमने देखना शुरू कर दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि डिमांड कैसे चेक की जाती है, सप्लाई, ठीक है, उसके अंदर
आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जैसा कि हीलियम 10 है जो आजकल सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है, हीलियम 10, ठीक है। इसके अलावा जंगल स्काउट है, जंगल स्काउट भी इसके साथ ही बिल्कुल इसके कंपेटेबल है, बिल्कुल साथ चलता है इसके। हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा, मर्चेंट वर्ड्स, ये डिफरेंट किस्म के जो हैं टूल्स हैं जो आपको प्रोवाइड होते हैं इसमें प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। तो अगर आप दिल से प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन के एक अच्छा प्रोडक्ट हंट करते हो, आपको एक क्लाइंट जो है 1000+ डॉलर्स दे के जाता है, जो पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली आजकल 1,50,000 के करीब बनता है शायद। तो प्रोडक्ट हंटिंग भी एक अच्छा सिनेरियो है जो मतलब लोग इसके अंदर जाना चाहते हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। उसके बाद मीटू लिस्टिंग है, होलसेल का बिजनेस है, कुछ कस्टमर आ जाते हैं आपके पास के हमें होलसेल चाहिए, वो आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर लेते हैं कि हम आपको, ठीक है, आप हमारे साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाओ, मतलब जितना भी कमाएंगे वो 30-70 पे अक्सर जो सिनेरियो है वो चलता है, तो उसके अंदर आप आते रहते हैं डिफरेंट। आप उसके लिए अब ये है कि आप सर्विस प्रोवाइडर बनोगे कैसे, ठीक है, आप अपना अपवर्क पे अकाउंट बनाए जो कि आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर कि अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, और गोरा क्लाइंट कैसे आपके पास आता है। बाकी पाकिस्तानी, इंडियन, ये क्लाइंट्स आपके पास भाग के आ जाएंगे, लेकिन मेन हमारा जो मकसद है गोरों को हंट करना है कि गोरा क्लाइंट किस तरह हमारे पास जल्द से जल्द आए, ठीक है। वो आपको डिफरेंट सिनेरियो से जो है सिखाया जाएगा कि आपने अपवर्क के थ्रू, फाइवर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इनके थ्रू उनको किस तरह कैरी आउट करना है, किस तरह अट्रैक्ट करना है उनको आपने। उसके बाद जो आपको सोर्सिंग एंड सप्लायर हंटिंग, ये सोर्सिंग और सप्लायर हंटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट हंटिंग एक अलग से क्राइटेरिया हो जाएगा, आपने प्रोडक्ट हंट कर दी, ठीक है। दूसरा आपके पास जो आपको क्लाइंट कह देता है कि मुझे सोर्सिंग भी चाहिए और सप्लायर हंटिंग भी चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से किया जाएगा, कौन सा सप्लायर जो है आपको प्रोवाइड करेगा, कौन सा अच्छी क्वालिटी देगा, सस्ती क्वालिटी सस्ता देगा और क्वालिटी अच्छी देगा, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। वो भी आपको टूल्स के साथ ही फाइंड कर सकते हैं आप, उसके अलावा डिफरेंट है, अलीबाबा से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर आप होलसेल के बिजनेस में हैं तो होलसेल के हवाले से भी आप इनको फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह के ऊपर बताया गया है मीटू लिस्टिंग के हवाले से वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड हैंडल FBM ऑर्डर्स। इसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि इन्वेंट्री किस तरह मैनेज की जाती है। अब किसी वेंडर का स्टोर है, ठीक है, उसने आपको, आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप यार मेरे पास मेरी इन्वेंट्री ये पड़ी है, मेरे पास 10 लिस्ट हैं, 12 लिस्ट हैं, 10-12 लिस्ट के अंदर मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, आप ना इसको हैंडल करो, मेरी इन्वेंट्री को मैनेज करो। बेसिकली इन्वेंट्री होती क्या है, आपने यहाँ से जितने प्रोडक्ट्स उठाए हैं, प्रोडक्ट्स उठाने के बाद अपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजे हैं, ठीक है, आपने उनको मैनेज करना है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया FBM, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FBA एंड FBM, ठीक है, ये दो अलग अलग कैटलॉग्स हैं, FBM एंड FBA। FBA क्या होता है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, मतलब अमेजोन उसके हर चीज की सर्विसेज अमेजोन प्रोवाइड करेगा। आपका काम क्या है, आपने प्रोडक्ट हंट किया, सप्लायर ढूंढा, प्रोडक्ट उठाई और शिप कर दी अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, अब सारा सरदर्द जो है अमेजोन का है, ठीक है। अमेजोन ने आपको कस्टमर सपोर्ट अमेजोन प्रोवाइड करेगा, शिपिंग अमेजोन करेगा, पिक एंड पैक अमेजोन करेगा, रिटर्न आता है तो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, डैमेज होता है तो अमेजोन उसको भी एक्सेप्ट करता है। एक मिनट रुकिए,
अच्छा, ये काइंडली आपके पास ना ये शेयर हो रहा है, तो आप अटेंडेंस अपनी पोस्ट कर दीजिएगा, जो जो अवेलेबल है सब स्टूडेंट्स वो अपनी अटेंडेंस जो है पोस्ट कर दें। ठीक है, आपको चैट के अंदर भी लिंक शेयर हुआ है, आप वहां पे ना अपनी अटेंडेंस पोस्ट कर दें। 2 मिनट रुक जाते हैं, आप सारे बच्चे आप अपनी ना अटेंडेंस वहां पे लगा दें। हो गई है सबकी? ठीक है जी, हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अब हम बात कर रहे थे FBA एंड FBM दोनों चीजें क्या होती हैं। FBA क्या होता है, FBM क्या होता है? FBA जो होता है वो आपको पहले बताया है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, सारा सरदर्द अमेजोन का है। अमेजोन ने पिक एंड पैक करना है, शिप करना है, टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, हर चीज जो है अमेजोन हैंडल करेगा। उसकी रिटर्न आता है अमेजोन हैंडल करेगा, इवन कि कोई चीज डैमेज हो जाती है वेयर हाउस के अंदर तो आपको अमेजोन उसका पे करता है। ठीक है, वो आपका जो एम्बेसमेंट अमाउंट होती है उसके भी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। ठीक है, आपने केस हैंडल करने होते हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, कहता है जी मेरी इतनी अमाउंट थी, ये चीजें हैं, ऐसा केस ओपन करो कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए। ठीक है, वो ट्रिक्स होती हैं कि आपने इश्यू किस तरह डिस्क्राइब करना है, वो डिफरेंट तरीके से आपको जो है मिल जाते हैं आपके पैसे वापस जो अमेजोन ने करने होते हैं। उस पर भी आपका जो क्लाइंट के साथ फिक्स है वो 10% है, 20% है, वो आपको क्लाइंट जो है पे करेगा। उसके बाद होते हैं FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, के हर चीज मर्चेंट का सरदर्द है। मर्चेंट ने पिक एंड पैक करवाना है, मर्चेंट ने शिप करना है, मर्चेंट ने ही कस्टमर सपोर्ट देना है, ऑर्डर नहीं पहुंचा जो है तो मर्चेंट जिम्मेदार है। ठीक है, डैमेज होके पहुंचा है तब भी मर्चेंट का सरदर्द है, रिटर्न आ गया तब भी मर्चेंट के ही हवाले है। इसके अंदर जो ऑर्डर्स आते हैं वो आपको डायरेक्टली आते हैं, आपने पिक पैक शिप आप खुद से करते हो, FBA में ऐसा सीन नहीं होता है, FBA के अंदर अमेजोन खुद करता है। ठीक है, ये आप जब किसी के साथ काम करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा उसके अंदर। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैंडल लिस्टिंग इशू एंड हैंडल बायर कंप्लेंट। डेफिनेटली बात है कि जब आप FBM के अंदर जाओगे आप को कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ता है जो आपके लिए फायदेमंद है, जो जिसका बिजनेस है उसके लिए नहीं है। आपका मकसद है सर्विस देना। ठीक है, आपने उसको क्लाइंट को बताना है कि ये इश्यूज हैं, ऐसे ऐसे हैंडल होंगे। ठीक है, सारी सर्विसेज उनको आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें उसके अंदर होती हैं। लिस्टिंग इश्यूज आ जाते हैं डिफरेंट, कि किसी का पिक्चर लाइव नहीं हो रहा, किसी के अंदर करेक्टर लेंथ इश्यू आ गया है। ठीक है, ये माइनर माइनर से जो है इश्यूज हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स होते हैं उनको इन चीजों का पता नहीं होता। तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, आपको छोटे छोटे इश्यूज के साथ 5 5 10 10 मिनट का आपका इश्यू हैंडलिंग टाइम होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको
बात आवाज नहीं आ रही सर। आवाज ठीक है, रुकिएगा, जब जिस वक्त आवाज क्लियर हो जाए सबको तो काइंडली मैसेज कर दीजिएगा चैट में कि आवाज क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी किसी को आवाज का इश्यू है? ठीक है जी। अच्छा, तो हम कहाँ थे? अकाउंट हेल्थ इश्यूज पे थे कि अकाउंट हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है जहां आपको सबसे ज्यादा क्लाइंट मिलता है प्रोडक्ट हंटिंग के बाद। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग आपका एक दिन का काम है, अगर आप दिल से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, आपका एक दिन का काम है, आप थाउजेंड ऑफ डॉलर्स जो है अर्न कर सकते हो अपने प्रोफाइल के थ्रू। ठीक है, कुछ इन्हीं के थ्रू कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वो 8 से 10 लाख रुपए मंथली जो है अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद भी पीएल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ, सर्विसेज वीए का काम भी करता हूँ, लेकिन मेरा अपना ब्रांड भी है। डिफरेंट सिनेरियो से उसके अंदर आपको जो है सिखाया जाएगा, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा। ठीक है, हैंडल बायर कंप्लेंट्स। ठीक है जी, हैंडल बायर कंप्लेंट्स क्या होती हैं? अब किसी का आपके पास क्लाइंट आया है, ठीक है, उसने आपको कहा है कि जी मेरे बायर्स मुझे इतना कंप्लेन कर रहे हैं। अब कंप्लेन किस हवाले से होगी? प्रोडक्ट अच्छी नहीं है,
कंप्लेंट आएगी, उसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, वो आपके वेंडर जो है उसका इशू है। आपने जस्ट चेक करना है कि बायर का इशू क्या आ रहा है, उसकी कंप्लेंट क्या आ रही है आपको, ठीक है। ये चीजें आपने उसके अंदर चेक करनी है। उसके बाद क्या होता है कि शिपिंग हुई है, अगर FBM किया था, शिपिंग हुई, कस्टमर को रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको कंप्लेंट कर देगा। अमेज़ॉन एक ऐसा पावरफुल नेटवर्क है जो हर वक्त सिर्फ बायर को सपोर्ट करता है, सेलर को सपोर्ट नहीं करता वो, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही अगर बायर मैसेज कर देता है, चाहे उसे प्रोडक्ट रिसीव हुई है या नहीं हुई, उसने जस्ट एक मैसेज करना है कि मुझे प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई, ठीक है। विद इन 24 आवर्स अगर आप उसको हैंडल कर जाते हैं कस्टमर को, ठीक है, जो उसकी कंप्लेंट है, अगर आप उसको हैंडल कर जाते हैं, ठीक है, आप उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट दे देते हैं और चीजें दे देते हैं, तो क्या है, अमेजोन उसको नहीं जो है रिफंड करेगा। जैसे ही 24 आवर्स से अबव आप जाते हैं, तो अमेजोन की तरफ से एक मैसेज आता है कि कस्टमर का ये इशू था, आपने रिजॉल्व नहीं किया और हम उसको रिफंड दे रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट के ही आपका रिफंड भी उसके अंदर चला गया, ठीक है। ये चीजें उसके अंदर शामिल है। उसके बाद ये होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट तो मिली है लेकिन वो डैमेज है, उसके अंदर भी आप अगर FBM कर रहे हैं तो आपको कस्टमर सपोर्ट देनी पड़ेगी, उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में कुछ इश्यूज आते हैं कि आपने शिप कर दिया प्रोडक्ट लेकिन बहुत लेट है, आपने उसको गिवन टाइम दिया था, आपने बायर ने सॉरी सेलर जो है उसने अपने अकाउंट पे लगाया हुआ है कि एक्सपीडाइटेड। अब वहां पे तीन किस्म के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड का ऑप्शन, ये स्टैंडर्ड शिपिंग क्या होती है, उसके बाद आपको एक्सपीडाइटेड का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद प्रायोरिटी पोस्ट का ऑप्शन मिलता है। प्रायोरिटी पोस्ट क्या होती है, सेम डे पोस्ट होती है, सेम डे आप पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीडाइटेड होती है, 3 to 5 days का ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपने 3 to 5 days के अंदर जो है शिपिंग करनी है। उसके अलावा आता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, 7 to 10 working days होते हैं, जिसके अंदर सैटरडे एंड संडे इंक्लूड नहीं होता। अगर उससे टाइम लिमिट इंक्रीज करती है तो बायर आपको कंप्लेंट कर सकता है और आपने उसको रिजॉल्व करना है। आपने जो है सेलर को बताना है कि ये इश्यूज आ रहे हैं और ये मैं आपके अकाउंट पे हैंडल कर रहा हूँ बैठा, ठीक है, आपको बताया जाएगा। आप अपने सेलर को जितना एफिशिएंट शो करोगे कि मैं ये काम करता हूँ, ये काम मुझे आता है, ठीक है, बायर सेलर जो है आपसे क्या होना चाहिए, इम्प्रेस होना चाहिए। जितना सेलर आपसे इम्प्रेस होगा, ठीक है, उतने आपके अर्निंग जो है बढ़ेगी, ठीक है। बाकी अगर गोरा क्लाइंट आपके पास आ जाता है तो उसके अंदर उन लोगों के पास टाइम नहीं होता इतना, ठीक है। आपको अपवर्क के ऊपर किसी क्लाइंट का मैसेज आया कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए, ठीक है, आपने उस पर अपनी गिग लगाई, अपनी बिट्स लगाई और आपके साथ उसने कहता है ठीक है जी, मैं आपका इंटरव्यू कर लेता हूँ। अब ये नहीं कि आपने उसके ऊपर अपनी गिग लगा दिया, अगर उसने मैसेज कर दिया है कि इंटरव्यू करता हूँ, तो ये नहीं है कि आपने उसे तंग करना शुरू कर देना है, आज इंटरव्यू कर लें, कल इंटरव्यू कर लें, परसों कर लें। जैसे ही वो अवेलेबल होगा, ठीक है, तो वो आपका इंटरव्यू कर लेगा, आपको हायर कर लेगा, आप अपने डिमांड्स बताएंगे, वो आपको अपने प्रोजेक्ट की डिमांड्स बताएगा। लेकिन ये उसके अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है, बी ऑनेस्ट। अपवर्क के काम में, फाइवर के काम में, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होंगे आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर क्लाइंट आपके पास आ भी गया, आप ऑनेस्ट नहीं है, तो आपका क्लाइंट आपसे चला जाएगा, भाग जाएगा। एक दफा तो आपको पैसे दे जाएगा वो, लेकिन नेक्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म वो आपके साथ नहीं चलेगा। आपने कोशिश करनी है कि ऐसे क्लाइंट्स बनाने हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोस के साथ आप उसको अपनी ऑनेस्टी शो करो कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा। आप जो काम नहीं कर सकते उसका कभी भी एग्रीमेंट नहीं करें उसके साथ कि मैंने ये काम करना है या मैं कर लूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अब हम भी पाकिस्तानी हैं, आप क्या कहें, कुछ ऐसे भाई भी हैं जो क्या करते हैं, एक बार बायर को जो सेलर है अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्लाइंट को एक बार वो आपकी पॉकेट में आके गिर गया,
तो क्या करते हैं कि बस यही एक ही बंदा है, इसी को नोच लो जितना नोचा जा सकते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ठीक है? आपने क्या करना है उसके साथ लीनियर अच्छे तरीके से पेश आना है। आप ये कोर्स करने के बाद आप पाकिस्तान के, ठीक है, आप PNY के डिफरेंट, जहां से आप सीख रहे हैं, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे आपके मौके होंगे आगे बढ़ने के, ठीक है? और दूसरी बात, आपको इस शोबे के अंदर, वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर, आपको सब्र चाहिए। जो लोग सब्र नहीं कर सकते, आई थिंक के वर्चुअल असिस्टेंट उनके लिए नहीं। ये सारी चीजें सब्र के हवाले से हैं कि आपने सब्र करना है, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट का उन्होंने कोर्स किया, पहले दिन ही उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई, गिग लगाई और उनको प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको दो दो तीन तीन माह प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं PL कर रहा था, मैंने वैसे ही शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं VA भी करता हूँ, ठीक है, सर्विसेज भी देता हूँ मैं। सर्विसेज के हवाले से ये हुआ कि मुझे पहले 1.5 से 2 माह कोई क्लाइंट नहीं मिला, हालांकि मेरी फुली इनके ऊपर ग्रिप थी। मैं 3 साल से PL कर रहा हूँ, ठीक है, जो A to Z है सब काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला क्लाइंट। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। बाद में मुझे क्लाइंट मिला सोर्सिंग का, कि मुझे लॉजिस्टिक जो है सोर्स करके दे दो, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के मिलते रहे, इसी तरह डिफरेंट जो है सिनेरियो चलते रहे आगे। इसीलिए जो है आपने क्या करना है, सब्र करना है, ऑनेस्ट रहना है, और कभी भी अपने क्लाइंट के साथ गलत कमिटमेंट नहीं करनी आपने, ठीक है? आपने उसको अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है कि मैं इतने घंटे अवेलेबल हूँ। आपको कभी भी आपका क्लाइंट तंग नहीं करेगा। अगर अंग्रेज होगा, गोरा होगा, बाहर का क्लाइंट होगा, कभी आपको तंग नहीं करेगा। अगर आपने उसे कहा है कि मैं सिर्फ 4 घंटे अवेलेबल हूँ, 6 to 10, वो आपको 6 to 10 के दरमियान ही मैसेज करेगा, उसके अलावा मैसेज नहीं करेगा आपको, ठीक है? लेकिन ये आपने कंफर्म करना है कि आप 6 to जो 10 है वो अवेलेबल होने चाहिए वहां पे। अगर आप वहां पे अवेलेबल नहीं होते तो आपका कसूर है, बैड इम्पैक्ट है, वो आगे भी बंदों को रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आपकी वो एक बार रेटिंग 0 कर देता है तो आपकी प्रोफाइल डंप है, बिल्कुल खत्म, ठीक है? कोशिश करनी है आपने अच्छे रिव्यूज कलेक्ट करने, ठीक है? अगर आप अच्छा काम करते हो तो ऐसा भी होता है, ठीक है? मेरा दोस्त है, वो क्या कर रहे है? अब उसने काम शुरू किया, काम करता रहा करता रहा, एक ही क्लाइंट के साथ उसने काम किया। उसके बाद उसे 30% शेयरिंग की जो है ऑफर आई है। क्लाइंट ने कहा कि यार सारा काम आप देखो, मैं सिर्फ इन्वेस्टर हूँ, सारा काम आप खुद करो, आपके जिम्मे है। जो काम वहां का होगा मैं हैंडल करूंगा, जो यहाँ का है आप हैंडल करो, आप मेरे 30% के शेयर होल्डर हो, ठीक है? आपको काम कर रहे हैं। क्या है कि उसने उसको एनएसटी शो की है कि मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो आपको ये काम में आगे लेके चल सकता हूँ। आपने प्रूव कर देना है उसको कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तब जाके उनका एतमाद बनेगा, तब आप जाके आगे काम करेंगे। और जो हमारा एक कोर्स है उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके से कि किन लोगों को आपने टच करना है, किन लोगों को टच नहीं करना, किन लोगों को क्या रिप्लाई करना है। कस्टमर जो सेलर है वो नाराज है, आपका क्लाइंट नाराज है, आपको मैसेज कर रहा है, स्ट्रिक्टली मैसेज कर रहा है, आपने उसको पोलाइटली डील कैसे करना है। दूसरी बात यह, आपने गुस्सा नहीं दिखाना है इसके अंदर। जैसे ही आपने गुस्सा दिखाया, आपका क्लाइंट गया, जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, रेटिंग 0, अकाउंट आपका खत्म, ठीक है? ये चीजें जो है आपने उसके अंदर परफॉर्म नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है जी, हाउ टू अवॉइड द लेट शिपमेंट एंड द कैंसिलेशन रेट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा 24 आवर्स का टाइम होता है। आपने विद इन 24 आवर, ऑर्डर आने के भी 24 घंटे का टाइम होता है, ठीक है? शिपिंग का आपका 2 दिन का टाइम होता है, 2 से 3 दिन का, और डिलीवरी टाइम जो है आपका वो डिफरेंट होता है, ठीक है? डिलीवरी टाइम अगर आप
आपको सेलर ने कहा है कि स्टैंडर्ड, अब एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है $7 की, ठीक है? तो $7 के अंदर वो क्या करता है, अब वहां पे ऑप्शन मिलता है, अमेजोन का जो बायर है उसे ऑप्शन मिलता है कि आपने स्टैंडर्ड करना है तो 7 का है, एक्सपीडाइटेड पोस्ट पे लेना है तो ये आपको 8.5 का मिलेगा, अगर आपने प्रीरियर पोस्ट जो सेम डे पोस्ट आपको मिलेगी अगर वो आपने लेना है तो आपको 10.5 का मिलता है, ठीक है? अगर आपके पास प्रीरियर डे सेम डे पोस्ट आ जाती है और बायर उसका पे भी करता है आपको कि मैं $10 पे कर रहा हूँ, $7 की प्रोडक्ट है, मैं आपको $10 देता हूँ, मुझे आज ही प्रोडक्ट दे दो, अगर आप उसके अंदर लेट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या है आपके अकाउंट पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी रेटिंग्स गिरती हैं। जैसे ही आपकी रेटिंग्स वगैरह गिरेंगी, ठीक है, तो आपका अकाउंट हेल्थ इश्यू हो जाएगा, या डिफरेंट जो सेलर के साथ आप काम कर रहे हैं उसके अकाउंट के इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, उसकी इन्वेंट्री की लिमिट्स लगना शुरू हो जाएंगी, डिफरेंट सिनेरियोस रहेंगे, सेल उसकी डाउन हो जाएगी, ठीक है? अब आपने सीखना है कि आप उसके अकाउंट को किस तरह हैंडल करोगे, आपको ये चीज प्रॉपर सिखाई जाएगी इसके अंदर कि आपने उनको इश्यूज को लेट शिपमेंट से बचना कैसे है, कैंसिलेशन रेट से कैसे बचना है आपने, ठीक है? अच्छा कस्टमर सपोर्ट ये होता है कि आपके आपने बायर की शिपमेंट लेट हो गई, ठीक है, आप शिप नहीं कर सका आपका सेलर, लेकिन आपके आप उसके असिस्टेंट हैं, काम आपका था आपसे नहीं हो पाया किसी मजबूरी की वजह से, तो क्या है आप बायर से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? अमेजोन आपको ऑप्शन देता है, आप अमेजोन की प्लेटफॉर्म से हटके नहीं कर सकते, उसी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है, आपने वहां से बायर से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करने के बाद आपको डिफरेंट जो है सिनेरियोस के हवाले से कि आप मैं रिफंड कर देता हूँ, जो डिफरेंट आपने उसके साथ जो भी उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना फिल्म चलानी है, आपने उसके ऊपर फिल्म चला दी, तब जाके आप उसको सेटिस्फाई कर लेते हो, आपके कैंसिलेशन रेट्स अगले शिपमेंट्स के हवाले से बच जाता है। उसके बाद रिपोर्ट्स मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, जब आप कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके अंदर भी ये चीजें सिखाई जाएंगी, सारा डिपेंडेंट रिपोर्ट्स में होता है, जितनी अच्छी रिपोर्ट्स होंगी उतना अच्छा आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा, ठीक है? शिपमेंट क्रिएशन, ऑर्डर मैनेजमेंट एंड दी पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर जो है प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सबसे ज्यादा जो टफ लेकिन मजेदार अच्छा इंटरेस्टिंग जो आपको चीज मिलती है वो क्या है, पीपीसी, इसको वैसे कहा जाता है पे पर क्लिक, के हर क्लिक के ऊपर आपने पे करना है। पीपीसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है अमेजोन का ही, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो, ठीक है? जिस तरह डिफरेंट एड्स चल रही होती है इसी तरह अमेजोन का ये अपना है, वो अपने तरीके से एड चलाता है, आपको चार्ज करता है, ठीक है? डिफरेंट चार्जेस होते हैं उसके, आपको पीपीसी के हवाले से ठीक है जी। पीपीसी के हवाले से क्या होता है, आप उसके अंदर बिड्स लगाते हो, कीवर्ड फाइंड करते हो, अपना कीवर्ड के किन कीवर्ड्स पे आपने चलाना है, किन कीवर्ड्स पे आपने नहीं चलाना पीपीसी को, ठीक है? उसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स की डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, टॉप लेवल्स होते हैं, बॉटम लेवल्स होते हैं, ये एक स्ट्रेटजी है प्रॉपर, ये एक ट्रिक्स, सारा ट्रिक्स का काम है, जिसकी जितनी अच्छी ट्रिक्स होंगी वो उतना ज्यादा उसको हैंडल कर पाएगा पीपीसी को, ठीक है? ऑर्डर मैनेजमेंट में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, शिपमेंट क्रिएशन की शिपिंग कैसे क्रिएट की जाती है वो भी आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा, और सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक आ जाता है वो है पीपीसी, ठीक है? पीपीसी में आपको हर तरह का क्लाइंट मिलेगा, और अभी भी आप जाके अपवर्क पे सर्च करें, फाइवर पे सर्च करें, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स पड़ी हैं पीपीसी की, थाउजेंड्स का लाखों के अंदर जॉब्स पड़ी हैं, आप सिर्फ जाके टाइप करें अपवर्क के ऊपर, फाइंड वर्क के अंदर जाके आप टाइप करें पीपीसी मैनेजमेंट, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, सिर्फ आप ये टाइप करें आपको वहां पे
बहुत सी जॉब्स मिलेंगी, लेकिन इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको पीपीसी कितने अच्छे तरीके से चलानी आती है, कितने एफिशिएंट वेज हैं, किस तरह हैंडल करते हो, और प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो सबसे ज्यादा प्राइस हाई होती है, जो आपको क्लाइंट पे करने पे रेडी होता है, वो आपकी पीपीसी की मैनेजमेंट की प्राइस होती है। कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं 2000, 3000, 5000, वो आपको कहते हैं जी 5000 डॉलर्स का बजट है एक मंथ का, आप मुझे पीपीसी रन करके दो और मेरी इनकम उसमें आए या ना आए, लेकिन वो आपको एक लिमिट बता देता है कि जितना कम रेट आप पीपीसी का रखोगे उतना मैं आपको ज्यादा पे करूंगा। जो आइडियल पीपीसी रेट समझा जाता है वो 20 से 25% का समझा जाता है, कि आपने 10 डॉलर की प्रोडक्ट थी, आपने एडवर्टाइज किया, आपने पीपीसी चलाई, ठीक है, और पीपीसी को इस तरीके से आपने मोनेटाइज किया कि आपकी बिड सिर्फ जो है 25% तक यूज हुई है, बाकी जो है 75% बच गया, ठीक है। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हो तो आपको जो क्लाइंट है वो ज्यादा पे करता है, अच्छा पे करता है उस वाले से। तो टफ है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे तरीके बताए जाएंगे इंशाल्लाह। जी मैं वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, पीपीसी, कि पीपीसी क्या है, पे पर क्लिक होता है ये पीपीसी, जिसके अंदर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड चलाया है, ठीक है। मैं आपको, आई थिंक स्क्रीन हमारी शेयर है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। अच्छा, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट हंटिंग में जाएंगे, कुछ पीपीसी मैनेजमेंट में जाएंगे। अब बेसिकली हंटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने ये डायरेक्ट नहीं शुरू हो जाना कि amazon.com खोले और शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान, यहाँ ऐसे प्रोडक्ट जो आपको शो ही नहीं होंगे जो यूएसए के अंदर सेलेबल है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है, क्लिक करना है, यूएस का कोई भी जिप कोड डाल देना है आपने, ठीक है। मैंने यूएस का इसके अंदर जिप कोड डाला है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पीपीसी क्या है। ये मेरा अपना ब्रांड है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मेरे ब्रांड में से, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 40 से 50 ऑर्डर्स पर डे हैं मेरे। हम आप भी, मैं आपको दिखा रहा था पीपीसी, कि पीपीसी क्या है। सर, हाउ टू गेट द जिप कोड? जिप कोड आप किसी के अंदर भी जाएं, आप यहाँ पे लेट सपोज के मैं कहता हूँ कि जी मुझे लंदन का जिप कोड चाहिए, अब मैं लिखता हूँ जिप कोड लंदन, वो आपको एक ये आ गए जिप कोड्स हैं, ये आप इसको कॉपी करें, जैसे हमने यहाँ पे आके पेस्ट किया है सिलेक्शन एरिया के अंदर। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट के मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं ठीक है, ये न्यूयॉर्क की हमने डेस्टिनेशन लगा दी, आप यहाँ पे चेंज कर सकती हैं हर चीज को। अच्छा जी, मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा था, पीपीसी के बारे में बता रहा था। ठीक है, जितना हमने पीछे पढ़ा है कि टाइटल कैसे लिखा जाता है, अब ये देखें, ये टाइटल लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट का, ठीक है, जो आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है सर्विस अच्छे से अच्छी, कि आपके आप कितना पावरफुल टाइटल लिख सकते हो, लेकिन टाइटल आपने किस तरीके से लिखना है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। आप अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा डेमो दे रहा हूँ, बाकी मजीद जो है हम कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके जो चीजें हैं सारा कुछ, उसके बाद ये आपका टाइटल हो जाता है, ठीक
ये आपके बुलेट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अंदर भी आपने क्या करना होता है, कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है, इसका पे करते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे थे पीपीसी की, दिस इज कॉल्ड पीपीसी। यहाँ पे शो रहा है सिमिलर आइटम टू कंसीडर, ये एड चल रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इस बंदे ने जितनी बिड लगाई हुई थी, $1, $2, $3, जैसे ही मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो उसके अकाउंट से $1 या $2 चार्ज हो जाएंगे और उसके वो पैसे जाया हो गए अगर मैं बाय नहीं कर पाता यहाँ से। ठीक है, इसके बाद इमेज भी बहुत अच्छा, ये देखें जी, माशाल्लाह मुझे आज ही पता चल रहा है कि जो मैं आज घर से आया हूँ, मुझे अमेजोन चॉइस का बैच मिला था। अच्छा, तो दूसरी चीजें क्या होती हैं कि आपकी इमेजेस, आपकी इमेजेस बहुत पावरफुल रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, आपके सेलिंग के अंदर, सेल के किस तरह सेल करना है वो अच्छा पावरफुल रोल प्ले करती है, क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन खरीदना है, उन्होंने आपकी प्रोडक्ट टच नहीं करके देखनी। आपने अपनी पिक्चर से ही, अपने कंटेंट से, अपनी इन पिक्चर से, अपने इस कंटेंट से और इस टाइटल से आपने उसको ये शो करना है कि बस यही प्रोडक्ट है जो आपने खरीदनी थी, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं है दुनिया में, सिर्फ आप यही अमेजोन पे लेने आए थे और वो हमारी प्रोडक्ट है, आप खरीदें इसको। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें, ये पिक्चर होगी, ये मेन इमेज है, इसके भी आपको क्राइटेरिया बताया जाएगा कि मेन इमेज का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स इमेज इमेजेस आ जाती हैं, उसका भी आपको क्राइटेरिया बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वीडियोस के, वीडियोस आप कैसे पोस्ट कर सकते हैं, आपको इसके अंदर बताया जाएगा कि वीडियोस कैसे पोस्ट होती हैं। अब लेट के ये वीडियो है, मैं प्ले करता हूँ। वीडियोस के हवाले से भी आपको बताया जाएगा कि आपने वीडियो कहाँ पे पोस्ट करनी है, कितनी पोस्ट करनी है, वीडियो के अंदर कीवर्ड्स क्या यूज करेंगे आप अपने, ये बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद आपको ये सिखाया जाएगा कि ये वेरिएशन कैसे बनाई जाती है, हाउ टू वेरिएंट। अक्सर क्लाइंट आ रहे होते हैं कि लेट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि शायद कि आप पर पे कोई हो इस वक्त। मैं वैसे ये भी सर्च कर लेता हूँ, साइन अप पोस्ट जॉब, यहाँ मैं लिख रहा ये हूँ जी। वीडियोस और पिक्चर्स हमें क्लाइंट्स देंगे, आई मीन उनकी वेबसाइट होगी ना। जी बिल्कुल, आपको वो ही प्रोवाइड करेंगे, या आपके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि वो आपको कहते हैं कि मेरा $5,000 का बजट है, ये मेरी लिस्ट है, आपने पिक्चर्स खुद बनवानी है, किस तरीके से बनवानी है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, पिक्चर्स कैसे बनवाएंगे वो आपको क्राइटेरिया पता होगा, आप किसी थर्ड पर्सन को हायर करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे, वहां से अपनी पिक्चर्स लेके यहाँ पे इंपोज कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं कि अब ये देखें, सिर्फ मैंने पीपीसी लिखा है, आपके पास कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, पेजेस ही पेजेस हैं आगे, ये देखें अमेजोन FBA, पीपीसी मैनेजमेंट, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, कैंपेन सेटअप, ये वो लोग हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, बैठे उनकी प्रोफाइल्स आपको शो हो रही है। ठीक है, आपको वर्क नहीं शो हो रहा। उसके बाद जो भी आप जॉब सर्च करेंगे, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐसे भी हैं, सियालकोट का एक लड़का है, उसकी उम्र है 14 से 15 साल का, वो लड़का है, तो इस वक्त जो उसकी इनकम है वो 9 to 10 lakhs के दरमियान में है। वो सिर्फ काम क्या करता है, वो पीपीसी मैनेज करता है लोगों की, जितनी अच्छी वो पीपीसी मैनेज करता है उसी हिसाब से उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये हम पीपीसी पे चल रहे थे, उसके बाद पीपीसी का दूसरा सिनेरियो क्या होता है, ये चीजें ये भी आपको बताई जाएंगी कि प्रोडक्ट आप यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है आपको स्पॉन्सर्ड, मतलब ये पीपीसी की वजह से चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिनेरियो और होगा, यहाँ और चीज पे करेंगे आप, आपको दूसरे पेजेस में कुछ और पे करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे मे बी कि मेरी पीपीसी खुद की भी चल रही होगी यहाँ पे। ये देखें, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, मैंने पीपीसी में डाला था इसको। नहीं सर, मैं गूगल एड्स की पीपीसी भी रन कर रही हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल अच्छा तरीका है। आप वहां से, आपको कीवर्ड्स का तो आइडिया होगा कि किस तरह एड्स को रन किया जाता है, किस तरह चीजें जी शॉर्ट बनाई जाती है, बेस्ट है ये आपके लिए। उसके बाद तीसरी चीज जो आपकी लिस्ट पे इम्पैक्ट कर रही होती है वो होता है आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसको कहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन दूसरा आता है उसको कहते हैं इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, ईबीसी। बहुत लोग मिलेंगे आपको ईबीसी के, लोग कहते हैं उनसे बनती नहीं है ईबीसी अक्सर लोगों से, कि ईबीसी क्या है। ईबीसी लिखता हूं मैं, ये देखें जी, ईबीसी 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 ईबीसी, भरे पड़े हैं लोग। ठीक है, इसी तरह जो है क्लाइंट्स भरे पड़े हैं। अब ये आप क्या ईबीसी है, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, आपने यहाँ से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये कस्टमर यहाँ पे ईबीसी के हवाले से हमें बताया है। यहाँ पे वीडियोस आप कैसे चलाएंगे क्लाइंट की, वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि यहाँ पे वीडियो कैसे लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे सब टॉप पे है वीडियो, और कस्टमर ने जो वहां से हमारे पास रिव्यू डाला है वो भी हमने यहाँ पे उसको रैंक करवा दिया। ये देखिए, ठीक है जी, ये रिव्यूज वगैरह हैं, ये रिव्यूज कलेक्शन जो है आपने देखनी है कि रिव्यू किस तरह कलेक्ट करने हैं वो आप। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिव्यूज भी आपको, ये क्या, सर हमारे लिए ऑटो पीपीसी बेस्ट रहती है कि मैनुअल? ऑटो का ये होता है कि ऑटो पीपीसी को जो अमेज़न है वो अपने लिहाज से चलाता है। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दी ऑटो पीपीसी के अंदर, अमेज़न क्या करेगा, उसको आपकी प्रोडक्ट उठाएगा, डिफरेंट कीवर्ड्स उठाएगा आपके प्रोडक्ट के हवाले से, डिफरेंट उठा लेगा, थाउजेंड्स के अंदर कीवर्ड उठा लेगा। हर हम इसकी कीवर्ड कीवर्ड्स कहाँ से सर्च करेंगे? वो आपको टूल्स मिलेंगे जहां से आपने कीवर्ड फाइंड आउट करने। ठीक है, उसके अंदर आपका हीलियम 10 आ जाएगा, जंगल स्काउट आ जाएगा, कीपा आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो है आपने उसके अंदर, आपको कीवर्ड्स के हवाले से बताया कीवर्ड्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे हैं। ठीक है ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं, अपने ये लिस्ट में क्लोज कर लेता हूँ। इस पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है ये आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर, और यकीन माने के जिस तरह आपको सिखाया जाएगा तकरीबन ऐसा ये चीज कोई भी नहीं कर सकता। तकरीबन कुछ बायर्स जो हैं वो करते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो कर पाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारा ब्रांड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम ये चीजें एबल हैं कि हम ये चीजें कर सकते हैं। कुछ हैं जैसे वो नहीं कर पाते, मैं आपको शायद एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि देखिए, ये पीपीसी चल रही है, इसका अलग सिनेरियो है, यहाँ पे ऐड कैसे शो होगा वो अलग है, यहाँ ऐड कैसे शो करवाएंगे वो अलग है। ये आपके ट्रिक्स की बात है कि आप एड्स किस तरह लेके आते हो। ये ऐड आ रहा है सबसे ऊपर, ये भी एक ट्रिक है कि यहाँ ऐड कैसे आता है। देखिए, इनके पास सिर्फ ईबीसी है बस, ये ट्रिक्स आप हमें बताएंगे कैसे है? बिल्कुल ये आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी सारी की सारी, इसके अंदर ट्रिक्स जो है कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगी। अब देखें, इनके पास ये ट्रिक्स नहीं है, इनके पास एक ही इमेज को उसने बार बार यूटिलाइज किया है, एक ही इमेज को। ये कस्टमर पे बैड इंपैक्ट डालती है, यहाँ पे उसका वीडियो अवेलेबल नहीं है अभी तक। उसके बाद ये है जी, सोल्ड बाय KBLE, ये एड्रेस लगा हुआ है उसका ये बुलेट्स पॉइंट में भी सारा कंटेंट लिखा हुआ है। जी। बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप तो कस्टमर को बताते हैं, आप बायर को बताते हैं कि आपकी क्या चीज, स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन बताते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशन आप इस तरीके से बताते हैं कि
कि आप अपने 9 to 10 कीवर्ड्स उसके अंदर रैंक कर देते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसने कीवर्ड्स यूज किया होगा जी। अब ये देखिए जी, पॉइंटेड स्लांट उसने एक कीवर्ड डाला है। ठीक है, पॉइंटेड फ्यूजर अलग से उसने एक कीवर्ड डाला है। वो ऐसे तरीके से अपना कंटेंट लिख रहा है कि पढ़ने वाले को पता ही नहीं लगता कि उसने इसके अंदर अपना कीवर्ड रैंक करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आईब्रो ट्यूजर्स उसने अलग से कीवर्ड रैंक करवा रखा है अपना। ट्यूजर फॉर इनग्रोन हेयर्स ये भी कीवर्ड है। अगर मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ यहाँ से, मैं ठीक है, उसने रैंक करवा रखा है अपने आप को इस कीवर्ड के ऊपर। हालांकि दूसरे आम जो बायर है उसको नहीं पता चलेगा कि ये किस तरह उसने किया है, वो डिफरेंट ट्रिक्स है उस हवाले से होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं पीपीसी का। आपको पता चल गया कि पीपीसी क्या होते हैं। बेसिकली एड्स आपने चलानी होती है ट्रिक्स के साथ। आपने बजट किस तरह बचाना है, बजट लगाना किस तरह है, ये सारी चीजें जो है आपको उसके अंदर पता होनी चाहिए। जिसको जितना नॉलेज होगा वो उतना अच्छा पीपीसी को हैंडल करेगा। उसके बाद है जी पीएल, प्रोडक्ट लॉन्चेस स्ट्रेटजीज प्रमोशन एंड द कूपन्स। पीएल क्या होता है? प्राइवेट लेबल। ठीक है, के आपके एक साथ किसी क्लाइंट ने डील कर ली, आपको कहता है जी मैं आपके साथ ए टू जी चलना चाहता हूँ। प्रोडक्ट हंट उसने आपसे करवाई, कंटेंट उसने आपसे लिखवाया, लिस्टिंग उसने आपसे बनवाई। ठीक है, हर चीज जब एक कंप्लीट हो गई तो आपकी आ जाती है उसके बाद लॉन्च। क्या प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करते हो? प्रोडक्ट लॉन्च करने की भी स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, कोई लोग आजकल जो लोग हैं वो लॉन्चिंग पैड यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक कि लॉन्चिंग पैड यूज करना तरीका तो अच्छा है, लेकिन आपको जो बजट है आपके बजट को एक बार वो हिला देता है लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड क्या होता है? लॉन्चिंग पैड ये होता है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं वो क्या करती हैं, आपसे प्रोडक्ट लेती हैं, आप कहते हैं जी मैं 80% डिस्काउंट दूंगा, अमेजोन को उस चीज का पता नहीं होता। 80% डिस्काउंट दूंगा, आप अपने बायर से कहेंगे मेरा ये प्रोडक्ट खरीदें। अमेजोन पे रैंक होने का एक ही तरीका होता है कि आप अपनी सेल बढ़ा दो। जितनी ज्यादा आप सेल बढ़ा दोगे, अमेजोन कहेगा जी ये प्रोडक्ट अच्छा है। और अमेजोन का टोटल जो काम हो रहता है वो A9 एल्गोरिथम पे होता है। एल्गोरिथम ऐसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ चीजों को देखता है, कोई वहां पे फिजिकल बंदा काम नहीं कर रहा होता। फिजिकल बंदे सिर्फ होते हैं जो इश्यू रिजॉल्व कर देते हैं आपके बैठे, बाकी सारा काम आपका A9 करता है। अब उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं कि ये चीजें हैं हमारी, आपने इसको जी सेल आउट करना है। तो क्या करते हैं जी, हमने प्रोडक्ट लगा दी, उनके पास प्रोडक्ट पड़ी है, हम उनको बता देंगे कि यार 10 प्रोडक्ट हमारे डेली निकालो आप। वो अपनी कम्युनिटी के अंदर कूपन बांट देंगे कि ये प्रोडक्ट जी 90% ऑफ पे चल रहा है, आप इसको खरीदो। वो क्या करते हैं, लोग धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो सेल शुरू होती है, एल्गोरिथम को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट जैसे ही आई है और छा गई है, अच्छी प्रोडक्ट है, वो क्या करता है आपके प्रोडक्ट को रैंक करना शुरू कर देता है। पहले दिन आप 7वें पेज पे हो, दूसरे दिन आप 5वें, 6ठे, तीसरे, दूसरे। विद इन 15 डेज, अमेजोन की टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज किए जाते हैं जो 15 to 30 days हैं, बल्कि आप तकरीबन 15 days हैं, उनको कहा जाता है हनीमून पीरियड। उसके अंदर यह है कि अमेजोन आपको आजादी देता है कि आप जो कर सकते हो करो, जितना रैंक करवा सकते हो करो। उसके बाद वो आपको डिटेक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, उसके अंदर वही चीजें आपको प्रोडक्ट हंटिंग में बता दी जाएंगी कि आपने किस तरह का प्रोडक्ट निकालना है ताकि आप जल्द से जल्द पहले पेज पे आ जाए। ठीक है, उसके अंदर अब लॉन्चिंग पैड्स के अंदर जोन जंप है, वायरल लॉन्च है। ठीक है, उसके अलावा रिबेट कीज हैं। ठीक है, अब डिफरेंट मैं आपको दिखा भी दूं, आइडिया हो जाए आपको। ठीक है जी, ये रिबेट्स हैं। यहाँ क्या करते हैं, अमेजोन के साथ आपको अटैच करवाता है, एक्सटेंशन लगती है, उसके बाद आप अपना 100% कैश बैक हासिल कर सकते हो। आपने बायर को कहा कि खरीद लो, मेरी तरफ से फ्री है, अमेजोन को वो, लेकिन वो अमेजोन पे जाके पे करता है। ठीक है,
जैसे कहते हैं ना रिश्वत देना नीचे से टेबल के अंडर टेबल, ये अंडर टेबल वाला काम होता है इसके अंदर। आपने सामने से ले लेना है और नीचे से कस्टमर को वापस कर देना है, ये होता है रिबेट्स प्रमोशन चल रहा है। अब ये देखें जी, ये बंदा कह रहा है जी 10% ऑफ है मुझसे खरीदो, ये 44 पे दे रहा है, ये प्रोडक्ट कहाँ पड़ी होगी, अमेजोन पे अवेलेबल होगी इसका, ठीक है। ये जी 30% पे दे रहा है, 82% पे ये बंदा दे रहा है कि 82% ऑफ है मुझसे प्रोडक्ट खरीद लो। मैं लेट जी इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ प्रोडक्ट मैंने देख ली, मैं चला जाता हूँ जी बाय प्रोडक्ट पे। अब वो कहते हैं साइन अप करो ताकि आपको वो अमेजोन तक लेके जा सके, आप उनकी कम्युनिटी का मेंबर बनेंगे तो आपको वो जो है ये रिबेट ऑफर कराएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका जोन जंप, ये देखिए ये आ रहे हैं जोन जंप डिस्काउंट कोड्स। ठीक है, ये भी सेम सिनेरियो के अंदर काम करता है। आप इसके ऊपर टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं, प्रोवाइड गारंटी आपको अफोर्डेबल, लेकिन इन चीजों का नुकसान ये है कि आपको रिव्यूज नहीं देती, रिव्यूज कलेक्शन नहीं होती। जितने अच्छे रिव्यूज होंगे उतनी अच्छी आपकी सेल होगी, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट चाहे जितनी मर्जी अच्छी है, आप अपने खुद से आइडिया लगा लें कि आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद रहे हैं, और जब तक आप रिव्यूज नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, रिव्यूज बाय कर लेते हैं, वो भी एक ट्रिक है, वो भी आपको इसी के अंदर बताई जाएगी कि आपने जो सेलर है उसको सेटिस्फाई करने के बाद कि मैं आपकी प्रोडक्ट धड़ल से उठा दूंगा और रिव्यू भी आपको ले दूंगा, वो ट्रिक है। उसके साथ आपको रिव्यूज कलेक्ट हो जाते हैं आपके, विद इन 10 to 15 days आपके पास रिव्यूज जो है वो आ जाते हैं, वो भी अंडर टेबल काम होते हैं। लेकिन आपने मेन मकसद है आपने आपको अपना क्लाइंट पकड़ना है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ये चीजें क्लाइंट को नहीं बताएंगे कि मैं कैसे लेके आऊंगा। आपने क्लाइंट को कहा, उसने कहा जी मुझे रिव्यूज चाहिए, ठीक है। आप उसे कह देते हैं जी रिव्यूज मिल जाएंगे आपको, कितने रिव्यूज चाहिए आप उससे ये सवाल करते हो, कितने? वो कहता है जी मुझे 20 रिव्यूज चाहिए 1 महीने के अंदर, क्योंकि जो रिव्यू रेट है वो अमेजोन का सिर्फ 4% रिव्यू रेट है। अगर आपकी 100 प्रोडक्ट सेल होती हैं तो आपने आपको सिर्फ 4 रिव्यू मिलते हैं उसके अंदर से, और बाज़ुकात ऐसा होता है वो 4 भी अमेजोन डिलीट कर देता है डुप्लीकेशन में डाल के। तो आपने उसको नहीं बताना, आपने सिर्फ सेलर को ये कहना है जी वो मेरा सर दर्द है मैं कैसे लेके आता हूँ, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो कहता है जी ठीक है मुझे 1 महीने के अंदर 100 रिव्यू ला दो, आराम से हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा ये काम। आपको 100 रिव्यूज आपका, मैं कह रहा हूँ 1 महीने के 20 दिन में आपको 100 रिव्यूज मिल जाएंगे। लेकिन ट्रिक्स हैं वो सारे कि आपको मिलेंगे कैसे वो आके, ठीक है। अब लेने को देखे, मैं अपने प्रोडक्ट पे ले सकता था लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि उसके अंदर पैसे लगते हैं, मेन मसला ये है। पैसे आपको बायर ने देने, सॉरी सेलर ने आपको पैसे देने कि ये लो जी पैसे। आपको देता है कि जी $50 है, 1 रिव्यू का दूंगा, मुझे 10 रिव्यूज ला दो, $500 वो आपको देता है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, आपकी डील सिर्फ बनती ही $100 के अंदर है, $100 के अंदर आपको रिव्यूज मिल जाते हैं। अच्छा सर, इसमें आपने लॉन्चिंग पैड का बताया था, जी तो लॉन्च जी हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब एक प्रोडक्ट हम मतलब करीबन उधर 10 बायर से मतलब सेलर से लगाई हुई है, तो उसमें हम अपना मतलब आज लॉन्च करते हैं। आपने बताया कि 10 से 15 दिन का पीरियड होता है जिसमें अमेजोन आपको कुछ नहीं कहता, मतलब बिल्कुल बाकियों ने 100 की लगाई है, आप वो बेच रहे हैं 50 की, ऐसे ही होता है ना, जिससे वो आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ जाती है। तो इसमें फिर अमेजोन बाद में आपको रोकता क्यों कि आप ये 50 की क्यों बेच रहे? ऐसा नहीं होता जिस तरह आप कह रहे हैं कि 50 की आप बेच रहे हैं। अमेजोन को नहीं पता है, अमेजोन के सामने वो फिर भी 100 की बिक रही है। वो आपका अंडर टेबल काम हो रहा है कि आप बायर को कितने की दे रहे हो। नहीं तो 10 15 दिन बाद रिस्ट्रिक्शन किस चीज की आती है? रिस्ट्रिक्शंस ये आ जाती हैं कि एकदम आपके ऑर्डर किस तरह निकलना शुरू हो गए, रिव्यूज कलेक्शन आपकी किस तरह आ रही है, क्योंकि रिव्यू रेट तो है 4% का,
ठीक है, एकदम से आपने जिस दिन में 10 रिव्यू लगवा दिए, अमेजोन डिटेक्ट करेगा कि यार ये बंदा फेक है, वो क्या करेगा, आपके रिव्यू डिलीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी ये मेरी प्रोडक्ट देखेंगे, मेरी प्रोडक्ट 4 माह पहले लॉन्च हुई है, ठीक है, अभी तक इसके पास 34 रिव्यूज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ऑर्गेनिक है, मैंने एक भी पैसा नहीं लगाया इसके, और पहले पेज पे रैंक भी है सही। इसके। ये आपने कोशिश करनी है कि आप लेके कैसे आएंगे, आप मेन मकसद आपका ये है, आपने सेलर सेटिस्फाई करना है, ठीक है, वही आपको इसमें सिखाया जाएगा, आपने सेलर को सेटिस्फाई कैसे करना है। अब जो तीसरा जो लॉन्चिंग पैड है, असल में जिस तरह मैं आपको बता दूं, लॉन्चिंग पैड ये होता है कि $10 की प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने अमेजोन पे लिस्ट कर दी कि ये मेरी प्रोडक्ट $10 की है, ठीक है, अमेजोन आपको उस वक्त भी अलाउ कर रहा होता है कि आप इस पे कूपन लगा दें, कूपन आप $1 का लगा लो, 2 का लगा लो। अब ये देखिए इस बंदे ने कूपन लगाया भाई, इस चीज को कूपन कहते हैं, इस बंदे ने कूपन लगा रखा है save $1 विथ कूपन, जैसे ही ये बंदा बाय करने लगेगा कि इसका कूपन एक्टिवेट हो जाएगा, और इसको क्या है, $1 जो 8.99 का प्रोडक्ट है ये 7.99 का मिलेगा इसे, ये चीज आपको अमेजोन उस वक्त अलाउ कर रहा होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे $1 का जो है लगा दिया, आपने $10 की प्रोडक्ट है, $1 का लगाया कूपन, बाकी बचे $9, ठीक है, आपने जो थर्ड पार्टी थी लाइक के जोन जम था, जोन जम के साथ आपने कर ली डील कि 80% ऑफ पे मैं आपके बायर्स को प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आपसे ये पैसे उसी वक्त कलेक्ट कर लेगा, वो कहेगा जी कितने ऑर्डर दोगे आप कहते हैं मुझे 10 चाहिए, ठीक है, वो 10 का हिसाब लगा के कहते हैं जी आप कितनी प्रोडक्ट है, लाइक के $7 एक प्रोडक्ट पे आप ऑफ कर रहे हो जी, $70 बन गए, $70 मुझे दे दो, ये आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। जो बायर है, बायर अमेजोन पे आके वो आपका प्रोडक्ट $9 का ही खरीदेगा, ताकि अमेजोन के एल्गोरिथम को ये महसूस ना हो कि ये बंदा फेक है, वो वहां से 9 का खरीदेगा, जोन जम वाले से खुद पे कर देंगे जी 9 का खरीदा था, $7 तुम्हारे ये रहे, $2 की प्रोडक्ट है, मजे मारो। ये होते हैं लॉन्चिंग पैड्स के काम। जो दूसरा तरीका होता है लॉन्चिंग पैड के अलावा प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर, वो होता है पीपीसी का तरीका, ये आजकल बहुत इन हो रहा है, पहले ज्यादातर लोग लॉन्चिंग पैड यूज करते थे, लेकिन लॉन्चिंग पैड की जो स्ट्रेटजी है अब ज्यादा नहीं चल रही, ठीक है, आपको सेल थ्रू रेट मिल जाता है, अगर आपके सेलर के पास अच्छे पैसे हैं ना, अच्छी अमाउंट है, तब तो आप लॉन्चिंग पैड पे जाएं, अच्छे पैसे नहीं है, सेलर कंजूस है, कम खर्च करना चाहता है, लो बजट के अंदर काम करना चाहता है, तो आप उसे पीपीसी की तरफ ले जाएं, पीपीसी के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं अट्रैक्ट। अच्छा, हम जो हमारा क्लाइंट है उसको हम ये नहीं बताते कि हम आपको कहाँ से कस्टमर ला के दे रहे हैं, कि लॉन्चिंग पैड कर रहे हैं या पीपीसी कर रहे हैं। नहीं, आप जैसे ही सेलर को बताओगे सेलर भाग जाएगा, वो गोरे हैं, वो इस चीज से डरते हैं, उनके अंदर इतना जिगरा नहीं होता काम करने का, आपको ये काम करते हुए जिगरा चाहिए आपको, अच्छा, अमेजोन पे पीपीसी भी इलीगल है? नहीं, पीपीसी लीगल है, पीपीसी उनका अपना एक चीज है, अपनी एक प्रोडक्ट जैसे कहते हैं, एक अपनी सर्विस है उनकी, वो सिर्फ मैनेज करने के तो तरीके हैं। क्लाइंट के साथ हम बीपीसी तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, पीपीसी पीपीसी के साथ वो आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर, कि पीपीसी की आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट दी जाएगी कि आपने ये रिपोर्ट अपने सेलर को दिखानी है, और वो आप लाजमी दिखाओगे उसको हर सूरत में, जब तक आप उसे रिपोर्ट नहीं दिखाओगे वो नहीं रुकेगा, आप हीलियम 10 से रिपोर्ट बनाओगे, आप उसकी पीपीसी की ऑटो की रिपोर्ट जनरेट करोगे, आप अपने कीवर्ड्स की रिपोर्ट जनरेट करोगे, अपने सेलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट जनरेट करोगे, कौन सा कीवर्ड आपने नेगेटिव में डालना है उसकी रिपोर्ट जनरेट करके पहले उसे दिखाओगे, उसके बाद जो है आप उसे इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसमें है लिस्टिंग प्रमोशन, हाउ टू फाइंड द ऑनेस्ट क्लाइंट वी आर सोशल मीडिया और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। आपने होनेस्ट जो आपका क्लाइंट है किस तरह फाइंड करना है, वो आपको बताया जाएगा उसके अंदर कि क्या सिनेरियो होता है तो क्लाइंट आपके साथ काम करने के काबिल है,
किसके किसके ऊपर आपने अपनी बिड लगानी है और किस पे बिड नहीं लगानी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐड लगा देते हैं कि मुझे ना एक चीज चाहे, मुझे पीपीसी मैनेज करवानी है और पीपीसी मुझे एक हफ्ता चलानी है, मुझे वो मैनेज करके दे, मैं आपको सिर्फ $500 देता हूँ। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, वो इसमें आपको बता दिए जाएंगे कि कौन सा तरीका है जिससे आप उसे वेरीफाई कर सकते हो कि क्लाइंट जो है आपका रियल है या फेक है। ठीक है, आपको प्रॉपर एक जो आपको प्रपोजल, अपवर्क पे प्रपोजल्स होते हैं, आपको वो लिखना सिखाया जाएगा कि आपने किस क्लाइंट को क्या प्रपोजल लिख के सेंड करना है। ठीक है, कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, क्या क्या आप उसे प्रोवाइड करोगे मौके पे प्रपोजल सबमिट करते हुए, क्या चीजें प्रोवाइड नहीं करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद है हाउ टू हैंडल दराज अकाउंट एंड द ईबे अकाउंट। ठीक है, दराज भी आपको सिखाया जाएगा। दराज के अंदर ये है, अमेजोन जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई बंदा उस पर ट्राई नहीं कर सकता, उसके अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो दराज पे आ जाए वो। ठीक है, दराज आपका लाइक अगर पूरी दुनिया का ई कॉमर्स का बिजनेस 70% अमेजोन हैंडल कर रहा है, गूगल हैंडल कर रहा है कुछ परसेंट, दराज भी 1-2% हैंडल कर रहा है, लेकिन दराज के पाकिस्तान में आपको अच्छे सैलर मिलेंगे। और दराज बल्कि अब इंटरनेशनल भी हो चुकी है, 6 मुल्कों के अंदर हो गई है दराज, तो आप उसकी भी बन सकते हो, आप VA दराज के VA बन जाओ। ठीक है, अभी आप फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे जाके लिखें दराज VA, आपको हजारों लड़के मिल जाएंगे, लेकिन बात वही सिलेक्शन की है कि आप कितने कैपेबल हो ताकि अगला बंदा आपको सिलेक्ट करे, वो चीजें हमें सीखनी है। इसके अंदर ईबे के अकाउंट के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद फ्रीलांसिंग पे गिग्स कैसे लगती हैं, प्रपोजल कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह सेंड होता है, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, अगर भेज दिया है तो कितना वेट करना है कितना वेट नहीं करना, आपको कौन रिप्लाई कर रहा है तो उसको क्या रिप्लाई देना है, किस क्लाइंट के साथ किस तरह बात करनी है और किस वे में बात करनी है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपने पूछना हो, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन हो इस कंटेंट में से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सर वो जो दराज का भी VA करवा रहे हैं ना, तो उसमें भी अलग से चीजें बताते हैं। दराज का और अमेजोन की चीजें तकरीबन सेम होती हैं, बस ये है कि क्राइटेरिया डिफरेंट है, क्योंकि आपको इसको इसमें PKR के हवाले से फाइंड करना था, उसमें आपको डॉलर्स के हवाले से फाइंड करना। बट इसमें भी एक आपका कंटेंट है ना, हाउ टू हैंडल दराज अकाउंट, यहाँ पर सिर्फ आप उसको हैंडल करना बताएंगे बिल्कुल ऐसे ही। और बाकी जो दराज की चीजें होती हैं वो उसके जब हम वो कोर्स लेंगे उसमें बताएंगे ना। जी, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा अकाउंट दराज पे भी है, मैं आपको दराज का बता देता ये देखिए टॉप पे आ रही है प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब देखेंगे एक रिव्यू के साथ मैं इस वक्त टॉप पे बैठा हूँ और ये बेचारा 80 रिव्यूज लेके मेरे साथ खड़े हैं। अब ये इसके अंदर टॉप रेटेड वगैरह ये हर चीज आपको तकरीबन हैंडल करना सिखानी चाहिए। तो इनकी लिस्टिंग वगैरह जो होती है वो दराज के कोर्स में होगी। बिल्कुल, वो लिस्टिंग भी आपको सिखा देंगे कि इसके अंदर लिस्ट कैसे किया जाता है, टाइटल किस तरह लिखा जाता है। अब देखिए इसने एक सिर्फ छोटा सा टाइटल डाला है, आईब्रो ट्यूजर, हालांकि इसी के अंदर इसका सिखा टाइटल देंगे आप? बिल्कुल इसी के अंदर आपको सिखाएगा।
तो वो जो अलग से इसका कोर्स है उसमें भी क्या है? वो एक जी कंप्लीट डिटेल्स हैं जो उसके अंदर आपको होंगी, उसके अंदर अकाउंट जो मैनेजमेंट है वो तकरीबन सारी होगी, इसके अंदर आपको कंटेंट वगैरह जो है उसके अलावा थोड़ा बहुत मतलब गाइड कर देंगे उसके अंदर आपको कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं। जो मेन पर्पस हमारा इसके अंदर होगा वो हमारा पर्पस होगा कि अमेजोन का क्लाइंट किस तरह पकड़ना है, हमने अमेजोन की सर्विसेज कैसे देंगे। इसके अंदर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर उस वक्त खुद से भी कर रहे होगे तो आप कर सकते हो। सही। और पीपीसी में, एक पीपीसी का भी अलग से कोर्स होता है, तो इसमें तो हम कैंपेन्स वगैरह भी सेटअप करेंगे और उसको मैनेज किस तरह से करेंगे, क्योंकि फाइवर पे भी ना कुछ लोगों ने ऐड, कुछ लोगों ने ऐसे ही लगाया होता है अपनी प्रोफाइल में कि आप 2 डेज में, 2 डेज मैनेजमेंट कैंपेन सेटअप प्लस 2 डे मैनेजमेंट, और उसकी सैलरी उन्होंने फी लिखी होती है, और इस तरह से 5 डेज मैनेजमेंट, 6 डेज मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें। तो इसमें हमें पीपीसी कैंपेन सेटअप किस तरह से करते हैं और उसको मैनेज किस तरह से करते हैं वो भी बताएंगे। बिल्कुल, आपको पीपीसी कंप्लीट ए टू जी सिखाई जाएगी कि सेटअप कैसे होगा, पीपीसी के कीवर्ड्स कैसे निकालेंगे, आर्टिकल क्या होती है, पीपीसी उठानी किस वक्त है, आपने टॉप पे किस वक्त लेके जानी है, बॉटम पे किस वक्त लेके आनी है, उसके अलावा उसके सिनेरियोस क्या क्योंकि हैं, मैंने क्या जहाँ से मैंने गूगल एड्स की पीपीसी की है ना, उसमें जस्ट उन्होंने बेसिक सी चीजें बताई हैं। एक्चुअली उसमें जैसे गूगल मर्चेंट अकाउंट है वो अभी तक नहीं बताया उन्होंने कि किस तरह से, कहते हैं वहाँ, यहाँ पर चलता नहीं है गूगल मर्चेंट अकाउंट ना पाकिस्तान में, तो जो शॉपिंग्स वगैरह लिस्टिंग करते हैं गूगल पर ना, और जैसे कि अब जी। वहाँ पर डिस्कवरी एड्स भी होती हैं, और वहाँ पे वो मोबाइल की मोबाइल ऐप में जो ऐप प्रमोशन करनी होती है, मतलब उन्होंने बस ना एक लीड्स और वेबसाइट जो टफ जो सर्च करते ना लोग, वो ही चीजें उन्होंने सिखाई हैं। बाकी वो कह रहे हैं आप प्रैक्टिस के साथ एक्सपर्ट होंगे, लेकिन इसमें आपने जैसे कि बताइए ना, प्रोडक्ट्स को हम साइट पे भी लिस्ट कर सकते हैं, वो अभी आपने पीपीसी ओपन की थी ना, तो उसमें वो हाँ नीचे जी, ये मैं आपको बता दूँ, ये पीपीसी चल रही है इस वक्त, सेंटर के अंदर तो चल रही है, स्पॉन्सर्ड है। ये स्पॉन्सर्ड हुई पीपीसी होती है आपकी, ठीक है। अब ये चल रही है, उसके अलावा ये टॉप पे चल रही है, इसका क्राइटेरिया अलग है, इसका क्राइटेरिया अलग है, तो यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं आप। उसके अलावा ये देखें, ये 4 प्रोडक्ट्स खड़े हैं अलग से, इसका क्राइटेरिया अलग है, हालांकि ये ऑर्गेनिक नहीं आए हुए, ये इनको पीपीसी के थ्रू यहाँ पे लाया गया है, सही। ठीक है, आपको बताया जाएगा। उसके अलावा बॉटम के अंदर भी कुछ पीपीसी के एड्स चल रहे होंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एड्स चल रहे हैं, इन देखिए किस शॉर्ट मैं टाइप ये का कहना है। चाह रही थी कि पीपीसी हमें इसमें ए टू सी सिखाई जाएगी ना। बिल्कुल, आपको सिखाई जाएगी पीपीसी ए टू जी। जी ठीक है, ये मैं पूछना चाहती हूँ।